औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की जिसमें हमने वर्ड एग्जांपल नंबर 5 और 6 को एक्सप्लेन किया और इसे पूरा ड्राइव करके आपके सामने पेश किया। इस तरह आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का नंबर आखिरी वर्ड एग्जांपल जिसे जो नंबर 7 है इसको आज हम करेंगे और इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्या दिया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। आगे पूछा गया है कि द बॉल विल बी स्लोविंग डाउन, यानी बॉल एक जगह पहुंचकर स्लो हो जाएगा। टू पुल द अर्थ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी जो नीचे जमीन हमें अपनी तरफ खींचती है उसे ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से एक मकाम पर पहुंचकर ये स्लो हो जाएगा। एंड It will return back to the earth, यानी ये अर्थ की तरफ दोबारा नीचे आ जाएगा। तो बताइए find out time the ball will take to reach the maximum height, यानी time और time बताए कि जहाँ पर ये ball पहुंची थी कितना time इसको लगा था, कितना ऊपर ये पहुंचा था। यहाँ पे distance का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ time का पूछा गया, हम time बताएंगे। तो आइए अब इसका data बनाते हैं। सबसे पहले data का होना जरूरी है। A ball is thrown vertically upward with velocity of 12 meter per second. यानी initial velocity हमारे पास है 12 meter per second. The ball will be slowing down due to fall of earth gravity. यानी gravity का नाम आ गया। तो gravity हमारे पास होता है -10. चाहे जो gravity हमेशा minus में ही आएगी, plus में कभी नहीं आएगी। चाहे ऊपर हो नीचे हो हर मकाम पर हो, gravity -10 meter per second आएगी, meter per second square. और return back to earth, यानी जब ये बॉल यहाँ था जो ऊपर गया तो यहाँ पे स्टॉप हो गया और उसके बाद नीचे आया, तो यहाँ पे वीएफ इसका हुआ 0। तो हम लिखेंगे वीएफ इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। अब बताएंगे कि फाइंड आउट टाइम, यानी टाइम हमें मालूम करना है, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हम लगाएंगे सॉल्यूशन की हेडिंग। तो इसको देखकर हमारे ज़हन में एक फॉर्मूला आ सकता है जो कि है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सारी चीजें हमें गिवन होती है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं जो कि है vf इज इक्वल्स टू vi प्लस gt, या फिर यहाँ पे a है लेकिन a इज इक्वल्स टू g। अब हमें मालूम करना है t, तो हम इसे लिख सकते हैं कि t इज इक्वल्स टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय g। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे t इज इक्वल्स टू vf हमें दिया हुआ है 0, तो हम लिखेंगे 0 माइनस vi हमें दिया हुआ है 12, तो हम लिखेंगे 12। और लास्ट जी हमें हमारे पास है -10, तो -10 को हम नीचे लिख देंगे। अब t इज इक्वल टू 0 -12, तो -12 भी रहेगा और डिवाइड में -10 है, -10 ही रखेंगे इसको। माइनस से माइनस कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 12 को 10 पर अगर डिवाइड किया जाए तो 1.2, और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। इस तरह हमारे पास ये वर्ड एग्जांपल नंबर 7 जो कि वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं और इस तरह ये चैप्टर हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो एक बॉल है जिसे ऊपर फेंका गया है 12 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, एक मकाम पर पहुंचकर वो बॉल रुक गया है जिसका वीएफ 0 हो गया है। अब ये बॉल नीचे की तरफ आया और ग्रेविटी की वजह से, तो कितना टाइम लगा इसको नीचे आते हुए। तो हमने डेटा बनाया वीएफ 12, ग्रेविटी -10 और वीएफ 0, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हमने यहाँ पे पुट की और सिर्फ सिंपल डिवाइड किया और माइनस से माइनस कैंसिल किया। एट द लास्ट यूनिट लगाना जरूरी है, यूनिट का एक नंबर होता है, तो इस टाइम का यूनिट सेकंड है। और एट द सेम टाइम अगर आप डेटा नहीं बनाएंगे तो आपका एक नंबर माइनस हो सकता है, तो डेटा बनाना भी जरूरी है। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम काइनेमेटिक्स है वो मुकम्मल हो चुका है। इसमें सारी एग्जांपल्स जितनी थी, जितनी डेफिनेशन थी और जितनी एक्टिविटीज थी हमने सारी मुकम्मल कर ली है और ये चैप्टर हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स स्टार्ट लेने वाले हैं। तो हमारे वीडियोज को देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।